तफसीलात देगी। वस्त हमारा ज्वाइन कुताब बिलाल फिरुदा। बिलाल हमें बताइएगा कि किस बिना पर मौलाना को बाहर जाने का हुक्म दिया गया है। जी देखें, इस तरह है कि अब से कुछ देर कबल जो है बलूचिस्तान असेंबली का इजलास है, रिटायर्ड कैप्टन स्पीकर भी जो है उनकी सदारत शुरू हुआ है और एजेंडे के मुताबिक जो है इजलास शुरू होते ही जो है वक्फा सवालात शुरू किया गया और जिसमें जो है कंसर्न मिनिस्टर्स कंसर्न महकमे के मिनिस्टर से जो है सवालात किए जाते हैं, जिस दौरान जो है उसको वक्फा सवालात को इंटरप्ट करते हुए मौलाना हिदायतुर्रहमान रुकन असेंबली जो है उठ खड़े हुए और अपनी जो उन्होंने तकरीर करना चाहिए, जिसपे स्पीकर खालिक तकदीर ने जो इनको बारहा कहा कि आप जो है बैठ जाएं, ये वक्फा सवालात जब खत्म हो जाएगा उसके बाद आप अपनी तकरीर करें या उसके बाद जो है आप अपने तहफ़ुज़ात का इजहार करें, लेकिन वो किसी तरीके से कंट्रोल में ना आए और अपनी तकरीर जो है जारी रखे हुए थे, जिस बिना पर जो है जो वज़ीर आला बलूचिस्तान है मीसर फराज़ बुगती, उन्होंने भी जो कमेंट पास किया कि इनका स्पीकर क्यों ऑन है, जिस पर जो है वो मजीद पेश में आ गए और कहने लगे कि जो बलूचिस्तान के बॉर्डर्स बंद हैं तो क्या हुआ, आप मेरा स्पीकर भी बंद कर दें, जिसके बाद जो है स्पीकर अब्दुल खालिक तकज़ई ने अपने गार्ड को ऑर्डर दिया कि वो जाके रुकन असेंबली मौलाना हिदायतुर्रहमान को जो है सेशन से बाहर निकाल दें, जिसको गार्ड जो है उनको निकालने के लिए बढ़ने लगा तो जो है दीगर जो अरकान असेंबली है उन्होंने गार्ड को रोक लिया और फिर बड़ी मुश्किलों से जो है रुकन सूबाई असेंबली मौलाना हिदायतुर्रहमान को ठंडा करते हुए वापस बिठा दिया। यहाँ ये भी बताते चलूँ कि इजलास के दौरान जो है जो रुकन सूबाई असेंबली है मौलाना हिदायतुर्रहमान, उन्होंने जो है एक प्ले कार्ड भी उठा रखा है और वो मुसलसल उसको जो है बुलंद किए हुए बैठे हैं, जिस पर लिखा है कि जो है बॉर्डर बंदिश बलोचिस्तान से दुश्मनी के मुतरादिफ है। जी जी बहुत शुक्रिया, तफसीलात देगी वक्त हमारा जवान कुतुब बिलाल फिरोजा।